हरिओम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी थर्ड क्लास में। एनवायरमेंटल स्टडीज है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो इसमें हमारा क्या चल रहा था, आज हम कवर कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे चल डेवलपमेंट। रहे थे। तो आज हम इसी में, इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम कैसे स्टार्ट हुए, ये कहाँ कहाँ से कैसे बात करी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसी के आगे हम आज उसके अगले जो पढ़ाव आए, जो स्टेप्स आए, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? ओके, ये हमारा आज का थीम है, आज की क्लास का पार्ट टू है ये हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। इसको आज हम पढ़ेंगे पीडीएफ से। ये पीडीएफ आपके पास है, सभी के पास। तो ये हमने पढ़ लिया था, रिवाइज भी कर लिया है हमने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में पहला हुआ था और हमने देखा था कि जो आयोग बना था उसमें क्या था कि 5 ईयर आफ्टर फाइव, इसके बनने के, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बनने, आयोजन के 5 साल बाद वो आयोग क्या करेगा, समीक्षा करेगा, यानी उसको रिव्यू करेगा कि जो उसमें बात की। इसको ऐसे समझिए जैसे अभी आपकी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब पॉलिसी तो बन गई, सिर्फ कागज में चीजें बना देना, लिख देना, वो तो सफिशियंट नहीं है, उससे तो काम बनेगा नहीं। उन चीजों को प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि ये फिजिबल है या नहीं है। मतलब ये वाकई में जो बनाई गई है चीजें, जो लिखी गई है, वो हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनमें आ रही है उनको उनको एग्जीक्यूट करने में, मतलब उनको कार्यान्वित करने में, उनको लागू करने में प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या क्या हैं, वो भी देखना पड़ता है। तो जब उनको लागू, उस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कुछ टारगेट डिसाइड किए गए थे कि ये करना है डेवलपमेंट के लिए, इस मतलब ये पक्षी है, इसकी प्रजाति मान लो समाप्त होने वाली है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, ये टारगेट डिसाइड किया गया। कोई और चीज की ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जो उसमें बनाए गए कुछ पॉइंट्स रखे गए, उन पे काम किया गया। फिर उस 5 साल के बाद ये देखा गया कि ये जो काम किया गया था वो प्रैक्टिकली उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या उसमें हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, ये उसमें देखा गया। अब यहाँ पे जो वही 5 साल के बाद में इसको एक तो बोला क्या गया, कहा क्या गया रियो प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद था, ऐसे आगे आएंगे रियो प्लस 10 आफ्टर 10 ईयर्स, हर बार 5 साल के बाद में ये होती चली गई। तो इसमें इसमें क्या बात हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 5 साल बाद, यानी 1997 में ये किसके उसमें हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में, जनरल सत्र यानी सेशंस होते हैं, ये नीचे भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, सारा ट्रांसलेशन लिखा है। जनरली इसका सेशन जो होता है ईयर में एक बार होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, विशेष काम हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई अलग से, तो उसके लिए स्पेशल सेशन आयोजित किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो ऐसे ही एक स्पेशल सेशन, क्योंकि जब इसके 5 ईयर हुए, उस समय उसका टाइम नहीं था कि उसको 1 ईयर नहीं हुआ था उस समय, या हो चुका था, निकल चुका था, तो इसको अलग से एक सेशन इसका बुला लिया गया और उसमें ये बात की गई। इसमें कौन कौन थे, बहुत सारे देशों के कौन थे जो लोग होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, वो इसमें थे। इंटरनेशनल लोगों का एक ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसमें आया और उसने क्या बात की, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड सम्मेलन में निम्नलिखित जो कार्य योजना यानी एक्शन प्लान जो है उन पर सहमति बनी, कौन कौन से ये है, ये हमने पहला भी देखा था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एजेंडा 21, ये हमने वहां पे बात करी थी, उसपे इनकी सबकी आपसी सहमति बन गई, हाँ ठीक है ये कर सकते हैं, हम इस पे काम करना चाहिए हमको। दूसरा
पर्यावरण एवं विकास संबंधी घोषणा पत्र, एक जो उसमें घोषणा पत्र आया था इसको भी क्या कर दिया सबने, अप्रूवल दे दिया। हाँ ठीक है, इसको भी हम आगे ले जाते हैं। वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य या सिद्धांत। अब ये पीडीएफ में है ना, आपको पढ़ने में कई जगह पर कई जगह नहीं, हर जगह छोटी की मात्रा गायब दिखेगी। ये इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब पीडीएफ बनाते हैं वर्ड की फाइल से या पीपीटी से तो वो गायब कर देता है ना, तो आप समझ जाइएगा जहां पे भी दिखे हर जगह मात्रा गायब है छोटी की। तो वनों के टिकाऊपन, टिकाऊ प्रबंधन से क्या मतलब है कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो फॉरेस्ट हैं वो बने रहे, उनका ऐसा मैनेजमेंट हो कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह हम 10 पेड़ लगा रहे हैं, ताकि जो फॉरेस्ट है और जो फॉरेस्ट सिस्टम है पूरा, उससे उस पर डिपेंडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सुरक्षित रहे, उनका कंजर्वेशन होता रहे। एजेंडा 2021 क्या है? एजेंडा 21 हमने बात की थी ना, एजेंडा का मतलब होता है किसी काम को हम करने के लिए नहीं बोलते हैं कि हम, ये मेरे एजेंडे में नहीं है, इसको एक प्लानिंग की तरह। एजेंडा 21 नाम दिया गया है, ये एजेंडा 21 नाम दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। अब इसके बाद में Rio+10 कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ, कब हुआ? आपको अगर ये याद भी नहीं है तो सिर्फ आपको तो ये देखना है पहला, अगर आपको पता है तो +5 +10 सबके ईयर आप निकाल सकते हैं ना। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 भी कहा जाता है। धारणीय विकास पर विश्व सम्मेलन के रूप में ये जाना जाता है। इसमें रिवाइज किया गया, इसको दोहराया गया, मतलब इसको हाँ हम आगे बढ़ाते हैं, ये चलता रहेगा। फिर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू करने की बात की गई। कहाँ से हम देखते आ रहे थे, कब आए थे ये MDG लाए, कब गए थे? 1990 में बेस ईयर था, एक्सेप्ट किए गए थे 2000 में, बेस ईयर है ना, पीछे से लेके चले थे। प्रॉब्लम से उसको ऐसे याद रखना है कि वहां तक की हमने प्रॉब्लम्स ली थी, 1990 तक की प्रॉब्लम्स ली थी। मान लीजिए आज की डेट में डायनासोर खत्म हो रहे हैं, हमको उनको बचाना है, लेकिन ये तो आज की डेट में हो रहा है, कोई और ऐसी है स्पीसीज है, कोई ऐसी प्रजाति है जो 1990 में ही उसको हमको कंजर्व करना था, इसलिए हम वहां से लेके चलेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो भी खतरे में है, उसको भी सुरक्षित करना है। अभी पूरा खत्म नहीं हो, खत्म हो जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन वो भी डेंजर जोन में, उसको भी हमको प्रोटेक्शन देना है, तो हम इसलिए वहां से लेके चल रहे हैं पीछे से। क्लियर है ये? लेकिन उनको एक्सेप्ट कब किया गया था, 2000 में किया गया था, और लागू यहाँ हो पा रहे हैं वो। आठ जो थे, गिनती में आठ को एक्सेप्ट कर लिया, कहां पर? 2000 में, और वो लागू करने की बात कब की गई है, 2002 में। कितना टाइम लग गया, कितने धीरे प्रोसेस चल रही है। इसके बाद आया Rio+20, ये सब अलग अलग स्टेशन की तरह याद रखिए इनको। यह है धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, इनके अलग अलग नाम भी आ रहे हैं ना हर जगह, इसको भी बोल रहे हैं इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जा रहा है, जो Rio+10 था। इनके सिनोनिम्स के तरह से इनको याद रखिए कि Rio+10 या जोहान्सबर्ग सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 2002, इतने इसके नाम हो गए हैं, कोई सा भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसको, Rio+20 को बोल रहे हैं, यह धारणीय विकास पर। मैडम ये 20 कैसे हुआ मैडम, ये तो 15 होना चाहिए। 15 कैसे होगा, +10 20 हो गया ना, तो 5 का ये डिफरेंस हो गया, ये 5 ईयर के लास्ट 15 था, 15 के बाद कितना हो गया? आप पहले वाले से लेके चलिए, तो 1992 से
प्लस फाइव कर रहे हैं, ये प्लस फाइव प्लस 1992 में प्लस फाइव किया, ये 2002 है ये जोहानिसबर्ग का, उसके बाद 2007 होना चाहिए ना। 2007 क्यों होगा, रियो प्लस 10 है ना ये, देखिए यहाँ पे 10वां साल 1992, समझ गए, हो गए क्लियर? नहीं क्लियर नहीं हुआ, 92 से 5 ईयर 97 हुआ, 97 से प्लस 5 2002 हुआ, 2000 प्लस 5 2007 होता है अगला। अरे जब RIO प्लस 15 होता तब ये नंदिता जी। अरे भाई पांच साल बाद सम्मेलन, पांच साल बाद कॉन्फ्रेंस होगी ना, तो पहली कॉन्फ्रेंस जो है 92 की होगी, दूसरी 97, तीसरी 2000, फोर्थ जो 2007 में होगी। प्लस 10 है ना ये, प्लस 5 नहीं, ये प्लस 10 है, प्लस 10 में भी नहीं हो रहा है, प्लस 10 में हो जाएगा। हाँ, तो आपका कहने का आप कह रही हैं कि ये 10 साल बाद हुआ ये फिर सम्मेलन। हाँ, 5 साल बाद इधर निकल चुका है ना ये रियो प्लस 5 ये है और वो रियो प्लस 10 है, ये पहले वाले से हम जोड़ रहे हैं ना। 10 का मतलब ये कि 5 5 5 10 हो गया, इसलिए तो अब अगला 15 होना चाहिए ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। चलो इसके बाद जोहानी इसको कल क्लियर कर लेंगे ना। अब हाँ जी ओके, नेक्स्ट आइए मैम। हाँ आइए देखिए, ये 15 होना चाहिए ना, आफ्टर अभी 5 ईयर है। नहीं 15 नहीं होगा ये यहाँ इस वाली ईयर को देखो आप, 10 प्लस ये 10 है, है ना, 10 प्लस 20 प्लस 5, 10 प्लस 5 होना चाहिए। आपको मैं अलग से क्लियर कर दूंगी, अभी आपको अलग से क्लियर कर दूंगी, है ना। नहीं स्टार्टिंग में ही तो स्टार्टिंग में ही बता दिया ना कि हर 5 साल, हर एवरी 5 ईयर में जो है एक सम्मेलन होगा, स्टार्टिंग में बता वो दिया था। ऐसे नहीं होगा, कंफ्यूजन दूर, वो मैं अलग से कर दूंगी आपका। मैम उनको बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए मैम कि 1992 से 2002 10 ईयर्स हो गए, और फिर 1992 से 2012 20 ईयर्स हो गए ना, ये टोटल 20। अरे भैया 97 में भी एक सम्मेलन हुआ ना 5-5 साल के बाद में, सर ये देख लीजिए। अरे इसको दूसरा 97 में हुआ, इस पे बहस मत कीजिए, मैं वही बोल, बहस नहीं, बहस अरे तो सुन लीजिए ना, इसको अलग से, इसको अलग से बता देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं भी गलत हूँ मैं क्लियर कर दूंगी उसको, है ना। नहीं नहीं बहस कोई नहीं है मैडम, कोई बहस नहीं है, ठीक है। हाँ तो वही बात है ना कि इस चीज को अपन अलग से कर लेंगे, एक ही चीज में हम बहुत समय नहीं खर्च करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें विभिन्न भिन्न देश के नेताओं के साथ निजी क्षेत्र के संगठनों ने भी भाग लिया, अलग अलग कंट्रीज के जो गवर्न बॉडी तो थी, नेता तो थे ही, उसके साथ में प्राइवेट, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा मैडम स्लाइड का थोड़ा मैडम स्लाइड का टॉप दिखाएंगे, टॉप नहीं दिख रहा मुझे टॉप इसका, यहाँ ये हो गया सर, ठीक है। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका पब्लिकेशन कहाँ हुआ, द फ्यूचर वी वांट के नाम से पब्लिश हुआ, उसका नाम रखा गया द फ्यूचर वी वांट, मतलब हम अपने भविष्य में जो हम अपना भविष्य चाहते हैं, ये नाम रखा गया डॉक्यूमेंट्स का जिन पे ये बात चल रही थी इन इस सम्मेलन में। और मुख्य फोकस वाले तथ्य क्या थे, मेन पॉइंट्स इसके क्या थे, गरीबी में कमी लाना और स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा कैसी होना चाहिए। अब ऊर्जा हम कई तरह से मतलब एनर्जी, हमको एनर्जी के रिसोर्सेज भी कई हैं, तो उनमें कुछ ऐसे हैं जिनसे कि पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, वातावरण को खराब करता है, उससे रहित हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, इसकी बात हुई इसमें। रियो प्लस 20, अब रियो प्लस 20 इसमें ये देखिए मैडम 20 आ गया ना,
हाँ वो शायद कुछ वही मैं बोल रही हूँ कि इसको अलग से अपन देख लेंगे, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, मेरी गड़बड़ है, तो वो सब क्लियर कर लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगला क्या पॉइंट है इसका, धारणीय, ये वही है, उसी का आगे का है ये, धारणीय विकास जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है। यहाँ पे ह्यूमन सॉरी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो गई होगा, साथ में हमको पर्यावरण को साथ में लेके चलना है कि हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, ऐसा विकास करें। जैसे अभी बात करें कि जैसे सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो पेट्रोल पर हमारी या जो परमाणु ऊर्जा है दूसरी तरह से जो जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर डिपेंडेंसी हमारी जो है वो कम हो जाएगी। फिर है संयुक्त राष्ट्र के 17 नए धारणीय विकास लक्ष्य, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है न्यू, वो कितने हैं 17 है, वो यहाँ पर आया। यह लक्ष्य 2015 के बाद विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के समय आयोजित किए गए। मतलब 2015 में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्च स्तरीय एक बैठक बुलाई गई, कहां पर, न्यूयॉर्क में, और उसमें इनको क्या किया गया, इनकी बात हुई कि अब हम इनको अपनाएंगे, इनको हम लेके आते हैं इस धारणी विकास शिखर सम्मेलन में। 150+ कंट्रीज ने क्या किया, भाग लिया। ये है हमारे शॉर्ट में अगर हम देखें, इसी क्रम में एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से किसी को भी वो पूछ लेते हैं, कभी क्रम भी पूछ सकते हैं, अभी तक शायद क्रम नहीं पूछा है, लेकिन कभी पहले नंबर का पूछ लिया इनमें से, नो पुअर्टी कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो हम बताएंगे पहला है, और रिड्यूस इनइक्वालिटी वाला कौन सा है तो 10th नंबर का हम ऐसे ही क्वेश्चन इससे आता है। तो पहला क्या है, नो पुअर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, भूखे गरीबी नहीं होगी तो भूखा नहीं मरेगा कोई, और भूखा नहीं मरेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे तो समझदारी हम में आएगी, हम लड़के लड़की का भेद करना छोड़ देंगे, भेद करना छोड़ दिया अब हम आगे की दूसरी चीजें हम सोच पाएंगे कि भाई पानी हमारे पास में स्वच्छ हो, पीने का सैनिटाइज हो, साफ सफाई हो। फिर बिजली की बात करेंगे कि 24 घंटे हमको क्लीन एनर्जी मिले, प्रदूषण रहित हमको ऊर्जा मिले, और दूसरी चीज क्या है इसके बाद 8th नंबर पे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा काम जो है वो कैसा हो, डिसेंट हो, और ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक कैसी हो, हम आर्थिक रूप से आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात 9th नंबर पे की गई है। 10th नंबर पे क्या बोला है, रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता नहीं हो कि कोई तो बहुत धन्ना सेठ है और कोई बेचारा गरीब दास है, बराबरी पे आ जाए सब। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसे शहर हो और ऐसे समाज हो कि जो बने रहे, ऐसा नहीं है भूकंप आया, बाढ़ आया और हमारा घर ढह गया, कच्चे मकान खत्म हो जाए कुल मिला के, कि बाढ़ और जो आंधी तूफान में बचे रहे, समाज के समाज बचे रहे, पूरी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी खत्म हो गई एक टाइम पीरियड के बाद, अब वो तो बहुत ही, अब उसका पता भी नहीं है कि कैसे खत्म हुई, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि समाज के समाज खत्म हो जाते हैं, पूरे गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलते, तो समाज भी लंबे समय तक बने रहे। फिर इसके बाद में आएगा रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि कितना ही उत्पादन किया जाए जितने की जरूरत है, ऐसा ना हो एक अनार और 100 बीमार, और ऐसा भी ना हो कि एक बीमार और 100 अनार, जितनी जरूरत है उतना सामान प्रोड्यूस किया जाए। फिर क्लाइमेट एक्शन,
क्लाइमेट यानी जलवायु की बात यहाँ पे की गई है 13 नंबर पे। उसके बाद बात की गई है लाइव बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जीवन है उसकी बात की गई है 14th नंबर पे। 15th नंबर पे लाइफ ऑन लैंड, जमीन के ऊपर के जीवन की बात की गई है। उसके बाद 16 नंबर पे पीस यानी शांति, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, न्याय हो, शांति हो और कैसे हो इंस्टीट्यूशंस, इस इन्हीं चीजों के लिए कैसी हो, जो संस्थाएं हैं वो कैसी हो, मजबूत संस्थाएं जिनका निर्णय सब लोग माने, ऐसे संस्थाएं होना चाहिए। फिर लास्ट आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं 17 गोल ये हैं, इनको पाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप, वर्ल्ड लेवल पर साझेदारी, सब लोग साथ में आकर विचार करें, अपने अपने विचार दें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हर इंसान का दिमाग अलग अलग चलता है, किसी के पास कोई आइडिया होता है, किसी के पास कोई और आइडिया होता है, तो इसलिए अगर सब लोग साथ में आके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सकेगा। अब इनको हम एक स्टोरी के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव में एक जग्गू भैया थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा था, बेटे का नाम कृष और बेटी का नाम मेधा था। अच्छा, ये स्टोरी मेरे माइंड में आई, मैंने बना ली। आप यहाँ पे अपने आसपास, सबके आसपास कोई ना कोई एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें आप इसको, इन किरदार को उनमें रख सकते हैं, उन नाम को यहाँ पे फीड कर सकते हैं याद रखने के लिए। आपके आसपास कोई घर में काम करने वाले आते हो, आपके घर में कोई आते हो उनकी फैमिली हो, किसी को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो जग्गू भैया के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम कृष और बेटी का नाम मेधा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, हम सबसे पहले अपनी गरीबी दूर, हमें सबसे पहले अपनी गरीबी दूर करनी होगी, तभी तो हम और हमारा पूरा परिवार दोनों टाइम सफिशियंट को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, भोजन कर सकेगा। ये दिख रहा है, ये जो रेड लिखे हुए हैं ना, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17। पहला क्या है, गरीबी। लग रहा है मुझे स्टोरी में फिट बैठ रहे हैं। एक दिन बात कर रहे हैं चिंतित स्वर में, हाँ जी क्या कह रहे हैं? यस मैडम, इसका मतलब पहले वो गरीबी दूर करना, दूसरा सफिशिएंट भोजन होना चाहिए सबके लिए। हाँ, फिर अगर हाँ जी प्लीज। हाँ, अगर हम अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हैप्पी और हेल्दी होंगे तभी तो हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकेंगे, नहीं तो हमारा पूरा पैसा क्या होगा, दवाइयों में ही खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर इतने में ही उनकी माँ आती है पीछे से बातें सुनकर और उनको जोर से डांटना शुरू कर देती है, कोई जरूरत नहीं है मेधा को पढ़ाने की, क्या करेगी वह पढ़ लिख कर, आखिर चूल्हा चौका ही तो संभालना है उसे। मेरे और अपनी माँ की तरह जो पैसा बचेगा उससे बबुआ, यानी लड़के के लिए बोल रही है कि बबुआ को खूब पढ़ाओ और बड़ा अफसर बनाओ। माँ की बात सुनकर जग्गू भैया को उनकी सोच पर दुख होता है और फिर वो उन्हें समझाते हुए कहती हैं, माँ मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, हाँ मैं दोनों को ही खूब पढ़ाऊंगा और बबुआ का तो पता नहीं, लेकिन मेरी लाडो एक दिन अफसर बिटिया जरूर बनेगी। इसके बाद भाभी जी, मतलब उनकी श्रीमती जी पत्नी, कुछ टेंशन में आकर कहने लगी, वो सब तो ठीक है लेकिन पानी, पानी और बिजली का क्या कहने को, तो 6 वाटर रिसोर्स हैं हमारे यहाँ पर, कुछ सूख रहे हैं, कुछ का पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, 7 दिन बिजली ही हमको कहाँ मिलती है, हमें जो हम
यहाँ कुछ कुछ जगह पे कॉमन नहीं आए हैं, हमें जो हम अपने खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर ही सकेंगे, मतलब ये थोड़ी सी वही ना पीडीएफ में मिस्टेक हो गई। कुल मिला के कहने का उनका है, वो चिंतित इस बात से है कि एक तो हमारे पास में पीने का पानी नहीं है ठीक से, बिजली भी पूरे टाइम नहीं रहती है, तो बिजली और पानी नहीं है तो हम अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते, सिंचाई नहीं कर सकते, और पानी पीना पीने का भी नहीं है, तो जो है उससे भी हम बीमार पड़ रहे हैं, जो पीने का थोड़ा बहुत है, तो सब लोगों को सूट नहीं करता है वो, सातों दिन बिजली नहीं है तो सिंचाई नहीं कर सकते तो अच्छी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, यानी कि हम आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। तब जग्गू भैया अपनी आंखों में कुछ चमक लिए हुए बोले, अरे भाग्यवान तुम चिंता क्यों करती हो, कल ही समाचार में मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हुए सुना, वह सभी गांव में इंडस्ट्रियां लगवाने वाले हैं, ये इंडस्ट्रियां और नई इन्वेंशंस कराने की बात कर रहे थे, जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो विकास भी होगा, पानी और बिजली भी मिलेगी, तब देखना सूदखोर साहूकार और कर्जदार किसान सब एक बराबर होंगे। अब यहाँ पे क्या आ गई, इक्वालिटी की बात आ गई, यहाँ पे असमानता दूर करने की बात आ गई, सब बराबर हो जाएंगे, इतना ही नहीं सबका अपने खुद के सुरक्षित घर का सपना पूरा करने में भी सरकार मदद करेगी। आजकल हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक के घर पे छत डल गई है सीमेंटेड, मगर एक चैलेंज भी है सरकार के सामने, और वो ये कि प्रोडक्शन का पैटर्न ऐसा हो कि सस्टेनेबल कंज्यूमिंग हो, यानी कि भाई जैसी जरूरत हो वैसा उत्पादन हो, और जलवायु पर कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़ सके, जैसे कि नई नई फैक्ट्रियां लगती हैं वैसे ही जल के भीतर लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड दोनों ही खतरे में आ जाती है। अगर सब कुछ अच्छे से प्लानिंग के साथ और उसके अनुरूप हुआ तो हम सभी लोग बढ़िया शांति से चैन की नींद सोएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छे काम में बाधा जरूर बनते हैं, लेकिन उनके लिए भी इंतजाम के लिए मजबूत और पावरफुल संस्थाएं बनाई जाएंगी, और इस बात के लिए सभी इम्पोर्टेंट लोगों के साथ हमारी सरकार पार्टनरशिप करेगी। अब कुछ समझी भाग्यवान, हमारे अच्छे दिन कैसे आएंगे, और दोनों की आंखों में चमक तथा होठों पर स्माइल थी। आगे सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कैसी है स्टोरी? बहुत अच्छी है। जो आपने 17 बताया था उसको पॉइंट 12 नंबर और 15 वो जरा एक बार बता देंगे? 17 और 15 नहीं, ये जस्ट वन मिनट, कौन सा 12 नंबर एंड 15 ये वाला 16 बोल रहे हैं कि थर्ड बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपने भी 17 आपने बताया था मैडम ना, गोल 17 थे उसमें, गोल नंबर 12 एंड 15। अच्छा 12 और 15, 12 हमारा है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक अनार और 100 बीमार वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, कि जितनी डिमांड हो उतना ही प्रोडक्शन हो, जितने जरूरत है लोगों की, जितनी मांग है कि इतने चाहिए, जैसे हम दुकान पे गए 15 पेप्सी की बोतल हमको नीड है तो 15 ही प्रोडक्शन हो, ऐसा जितना प्रोडक्ट जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन हो, ना तो बहुत उससे कम हो, ना तो 11 हो और ना ही 13 हो, प्रोडक्शन बैलेंस होना चाहिए, ताकि अगर एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा, बेकार जाएगी, जैसे मान लीजिए दवाइयां ही है, अगर एक्स्ट्रा बनेगी तो जो बचेगी वो क्या होगा, अगर ठीक है उनकी एक दवाइयों की ना बहुत लंबी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी वो कंज्यूम नहीं हुई तो क्या होगा, वो कूड़े का काम करेंगी, कचरे का काम करेंगी, और कहीं ना कहीं वो हमारे रिसोर्सेस को रिसोर्सेज में जाके मिलेगी और उनको नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए प्रोडक्शन बैलेंस होना चाहिए। हो गया हमारा 12 नंबर का, और जो 15 नंबर का है लाइफ ऑन लैंड, यानी जमीन के ऊपर जीवन, हम जब पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें पर्यावरण में हम पढ़ते हैं
कहाँ कहाँ पे जीवन है? हवा में है, कुछ वायु जी वायु कैसे होते हैं ना, जल जीव, जलीय जीव होते हैं, वायवीय जीव होते हैं, और कुछ होते हैं स्थलीय जीव जो पृथ्वी, कुछ पानी के अंदर रहते हैं और कुछ रहते हैं हवा में। तो ये तीन टाइप के रहने के जगह होते हैं, स्थान होते हैं जीवों के। उसी में से इन 15 नंबर पे हो रही है पृथ्वी के ऊपर जो रहने वाले हैं उनकी बात, उनके सुरक्षा की बात हो रही है कि जो लैंड पे जीवन है वो सुरक्षित रहे, खतरा नहीं। हम दिन रात प्रदूषण करते रहेंगे तो ये असुरक्षित है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन आती जाएगी। क्लियर है सर? मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। किसी और को इसमें कोई प्रॉब्लम है? इनको इस स्टोरी को एक दो बार आप सीक्वेंस में ऐसे ही पढ़ लेंगे ना आसानी से आपको। और ये याद रखिएगा, एग्जाम में नंबर पूछा जाएगा कि इस नंबर पे कौन सा है, या तो ये दे देंगे और नंबर पूछेंगे, या नंबर दे देंगे और ये पूछेंगे। तो आपको दोनों चीजें याद होना चाहिए, और वो इस स्टोरी से मुझे पूरी होप है कि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यस मैडम, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आते हैं मानव पर्यावरण संव्यवहार, मतलब ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ये हमारा कौन सा टॉपिक है? टॉपिक 2 है ये हमारा। ठीक, तो मुझे लगता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक बार रिवाइज कर लें, या टॉपिक 2 स्टार्ट कर दें, जैसा आप बोलें। इसको हम कल से भी कर सकते हैं, रिवाइज मैम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरी से या बिना स्टोरी के? मैम बिना स्टोरी के समझ ठीक है, मैं पूछती जाऊंगी किसके किसको कितने याद है, ये हम देखते जाएंगे साथ साथ में। चलिए, जिसका नाम लेंगे